all of you can explain to your client or even do on your client. In terms of makeup, I feel in Baroda, the makeup is more on the natural level as compared to Delhi and Bollywood. So I would like to keep it as fresh and natural as possible, and also keeping the weather in mind. I think it's pretty warm and rainy. So we're going to keep it fresh, very monsoon for the first look. So I'm going to try keeping it as peachy and natural as possible. So for this look, we're going to start off with the primer to begin with. Now, if you're doing a self makeup or if the client is doing a self makeup, you don't need to use a primer. You can just go straight on with the BB. Right? Yes, yes, you can go straight on to the BB. So, pehle hum look start karne se pehle, we are using a primer, and especially is weather that hai ki aapka bahut humidity rehta hai. So, weather ke hisab se aapko kaun se colors choose karne chahiye, आपको क्या यूज करना है चेहरे पे. सो स्टेप बाय स्टेप हम पहले देखेंगे. सो फर्स्ट इज द प्राइमर. हम प्राइमर फर्स्ट यूज करें. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज अगेन आपके सारे फेस के प्रोडक्ट्स हैं. सो द प्राइमर, you just need a very tiny amount of it. The more primer you put on, you'll find when you're blending it, it'll start peeling away. So just make sure that you put the primer on a very clean skin. हमने पहले से ही स्किन को क्लीन करके क्लेंजिंग टोनिंग करके रखा हुआ है. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग एंड वेरी लाइट मॉइस्चराइजर स्किन पे हमने रखा हुआ है. वेरी वेरी लाइट, कीप इट वेरी लाइट. नहीं तो आप अगर ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हो तो वो ऑयली होने के चांसेस होते हैं. एंड प्राइमर से क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही अमाउंट हम यूज़ किया है एंड वी स्प्रेड अक्रॉस हर फेस. हमने सारे चेहरे पे अच्छे से उसको स्प्रेड आउट कर दिया है. नेक्स्ट हम प्राइमर के बाद वी कैन गो स्ट्रेट इन टू द बीबी क्रीम. अगर आप प्राइमर स्किप करना चाहते हो तो यू कैन स्किप, बट इस वेदर के लिए या फिर एनी अदर वेदर वे जहाँ पे आप चाहते हो कि आपके स्किन पे या आपके चेहरे पे ज़्यादा ऑयल ना आए, तो आप प्राइमर फर्स्ट यूज़ कर सकते हो. नहीं तो डायरेक्टली आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो. सो हमारे पास थ्री शेड्स हैं बीबी क्रीम के. सो आउट ऑफ दिस हम फर्स्ट शेड यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ योर वॉर्म. यू यूज़ द वॉर्म शेड. सो ये शेड नंबर तीन है. सो हाउ आई एम अप्लाइंग इट इज विथ a brush. Now it's up to you. If you feel that you're going to be doing it on yourself, of course fingers is the best method, I feel. Otherwise you can use a beauty blender. How many of you all use beauty blenders? Put up your hands. Wow, lot of people. Very impressive. Aapka aa raha hai, beauty blender is also coming. It's on its way. So you can see as I'm applying it, it's actually very natural. And that is why we call it a BB cream. It's something which has a little bit of foundation, a little bit of cream, and SPF. Yes, yes. So it's three in one. Three in one. Yes. So it's. I think every woman can definitely wear a BB cream every day, if not every night. I love to keep the skin as natural as possible. बेसिकली अगर आप नेचुरल लुक, स्पेशली हम डे लुक के लिए जा रहे हैं, तो डे लुक में हमको जितना नेचुरल हमको दिखना है, सो इसीलिए बीबी क्रीम बेस्ट ऑप्शन होता है. क्योंकि इससे क्या होती है, बहुत लाइट कवरेज होती है, बहुत लाइट नेचुरल शेयर आपको लुक देता है. सो दिन के टाइम के लिए बेस्ट होता है बीबी क्रीम. एंड स्पेशली इसमें आपका SPF भी है, प्लस इट एक्ट्स एज अ मॉइस्चराइजर. थोड़ा सा मॉइस्चर कॉन्टेंट भी है इसमें, तो अगर आप मॉइस्चराइजर यूज़ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपको चलेगा. एंड यू कैन go directly and use the BB cream. Yeah. And आप उसको either आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज कर दिखा सकते हो क्लाइंट को जब आप दिखा रहे हो, या फिर कहीं मीटिंग्स में आप जा रहे हो. और खुद के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज यूज योर फिंगर टिप्स. बट अ ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट बाउंसिंग द ब्यूटी ब्लेंडर राइट ऑन द फेस, एंड दिस बेसिकली जस्ट हेल्प्स ब्लेंड इट थ्रू. अगर आप चाहते हो कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए या स्किन में पूरा सोक कर ले, सो ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा होता है. एंड प्लस वो एक्सेस जो आपका रहता है स्किन के ऊपर वो निकाल देता है, एंड इट विल गिव यू अ नेचुरल कवरेज ऑन योर स्किन. सो नाउ व्हाट आई एम यूजिंग इज द अर्बन कलर कॉम्पैक्ट. या इट्स अ टू, इजंट इट द टू इन वन आरएम. दिस इज द थ्री इन वन. सो लुक एट द शेड नंबर, जस्ट लुक एट द शेड.
So what I'm doing is I'm just using that in the areas where I feel she requires a little bit more coverage. Okay. तो हमने पहले जो शेड यूज़ किया था आपने ऑब्जर्व किया होगा हमने वार्म शेड यूज़ किया है. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं बीबी क्रीम का वो शेड नंबर 3 है तो वो सबसे डार्क होगा. ऐसे कुछ नहीं होता है. वो एक टोन है जो आपके स्किन टोन के साथ मैच करना चाहिए. सो वी हैव यूज वार्म विच इज़ ऑन हर स्किन. हमने आशका के स्किन पे पहले वार्म यूज़ किया है बीबी क्रीम. उसके ऊपर थोड़ा सा और कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसमें 3-in-1 अल्टीमेट रेडियंस मेकअप यूज कर रहे हैं विच इज योर शेड नंबर 1 विच इज योर आइवरी. सो उससे क्या होगा दोनों अच्छे से द मेन की इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको ब्लेंड करना. जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवरेज या मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ तो वहाँ पे वो हाईलाइट करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं. थोड़ा सा पैचीनेस या फिर डार्क स्पॉट्स जहाँ जहाँ पे है आप उसको 3-in-1 मेकअप से कवर कर सकते हैं एंड देन आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं. सो नाउ आई हैव पुट द कंसीलर एज आई से आई यूज इट एज अ कंसीलर ऑल ओवर द आई एरिया अ लिटिल बिट अराउंड द माउथ एरिया एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज स्लाइटली पाउडर द आईलिड्स. सो आई एम यूजिंग a compact powder and this shade is called the infinite white UV fairness pressed powder and this is best for use in the morning time because it has got SPF and it's very sheer in its coverage. Wo zyada heavy nahi karta aapki skin ko. Yahan pe humne shade number 2 use kiya hai. So what I'm doing is I'm just using the little puff and I'm pressing it in to the jo bhi excess hoga aapka wo puff mein aapka excess oil and excess moisture soak kar lega and it will give you a very nice aisa. So wherever I've used the shine extra product, yes, I'm just going to soak it up with the powder. Close your eyes. And that's about it. I'm not going to put it anywhere else on the skin. I'm just going to let that be. I'm going to start straight on with a little bit of color on the eyes and then I'll go straight on to the eyebrows. So, this palette. I'm going to have a look at this. This is eyeshadow. Daring Smoky. So, I'm using Hypnotize Eyeshadow. So, how many Everlasting Fun. Okay, हमने Everlasting Fun use किया है. This is the Hypnotize Eyeshadow Quad, जो shade number 2 है वो हमने use किया है which is the Coral shade. क्योंकि दिन का makeup है so Coral, Peaches ये बहुत अच्छा skin को suit करता है. So just Coral use किया है and you can see it's on the inner corner of the eyes. It's actually, I'm putting it all over. All over, okay. It's just a very natural tone. And anything which is in corals, browns, oranges, coppers, really complement Indian skin tones, yeah. Even at night, actually. But I just love using this all the time. Because even in the day, if you use it, it just looks stunning on our skin tone. As opposed to pink. Orange always looks better on our skin tone. You're saying more of brown, peach, orange, coral tones. It basically sits much better on a yellow-based skin. Okay. Generally, क्या होता है? Indian skin tone yellow-based होता है. और इस skin tone में आपका brown, coral, peaches, bronze, ये सारे shades बहुत अच्छा जाते हैं. So हमारे shade पहले में जो first, second shade है, Everlasting Fun का, वो coral color का है. So it goes very well. और आप उसको आराम से daytime use के लिए use कर सकते हो. And this color actually sits really nicely on the cheeks as well. I love using it on the cheeks. It's the perfect shade. Okay, so आप multi-purpose use भी कर सकते हो. चलो एक आई शेडो का और एक यूज बता दिया. You can use it on your cheeks as well. So I'm just blending it through with a clean brush, making sure that it's just sitting flat and all the extra product is off on my little brush. Now I'm using this pencil. It's called the Copper
05. ओके, अभी हम यूज कर रहे हैं इंटेंस कलर आई पेंसिल का कॉपर शेड. अगेन आप अगर देखो कॉपर शेड जो है इट कम्स अंडर द कोरल ब्राउन फैमिली. सो हम स्पेशली इसको यूज कर रहे हैं इन अ कॉर्नर पिन एंड दिस इज आउटसाइड योर आई एरिया. ये हम पेंसिल है इंटेंस कलर आई पेंसिल जिसके 12 शेड्स हैं और इसमें हमने कोरल कॉपर शेड यूज किया है. एंड रिमेंबर ये आंखों के अंदर आप यूज नहीं कर सकते हो, जस्ट आउटसाइड योर आई लैश लाइनर. So once I've used it all the way through, again, if you want to blend that through, you can. Otherwise, you can just leave it like this. It's just beautiful as it is. Close your eyes. I'm just using it a little bit on the outside. I would also like to use a dark brown pencil. This will also really open up the eyes and enhance them. So I'm just going to blend this through with a small brush. Just blending the edges. A lot of women say when they apply any kind of pencil underneath the eyes, it tends to smudge. So you've got to let it dry a little bit, blend it. So once it's blended and it's dried and it's settled, it will not smudge at all. एग्जैक्टली क्या होता है ये पेंसिल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड सॉफ्ट इसलिए है बिकॉज यू यूज इट बिफोर योर आई एरिया के लिए है. लेकिन इस पेंसिल का ये खासियत है आपको कुछ देर तक वेट करना पड़ता है कि वो सॉफ्ट है एंड वो ड्राई अप होता है. ड्राई होने के बाद ही आपका वो स्मज फ्री होता है एंड वो जब थोड़ा सा मतलब वेट होता है यू कैन सॉफ्टली ब्लेंड इट और यू कैन लीव इट थोड़ा सा छोड़ने के बाद आप उसको धीरे से हल्के से ब्रश से आप ब्लेंड भी कर सकते हो. ये आप जैसे ही यूज करते रहोगे आपको पता चलेगा आप किस टाइम पे आप उसको ब्लेंड कर सकते हो. कई बार आप ऐसे ही लाइन करके आईज को छोड़ सकते हो इफ यू वॉन्ट अ डार्कर लाइन, नहीं तो आप इसको स्मज भी कर सकते हो. Okay, now I'm just slightly filling in her eyebrows. She's got beautiful eyebrows. But I always feel using color on the outer third or the outer two-thirds of the eyebrows really lifts up the eyebrows, lifts up the eyes, and actually makes a woman look at least 5 years younger. So everything is lifted from the eyebrows, eyes, cheekbones. सो मैं आपको और एक अच्छी न्यूज दे दूं. हम बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट 2 months वी आर गेटिंग अ प्रो वेयर ब्राउ पेंसिल विच विल बी लॉन्च्ड इन अर्बन कलर एंड विद्या जी वही शेड यूज कर रही हैं. Absolutely. So I'm the first one using it first. Yes. And again, this is a German-based product and it's extremely soft and पूरे Indian skin tone के हिसाब से हमने कलर सिलेक्ट किया है. So I don't like using anything which is too black on the eyebrows. Yes. It's just really soft. It complements the color of her copper hair as well. So keep all that in mind. So black will be too harsh and not natural at all. So I'm just using one which has a slight brown through it. कई बार ऐसे होता है हम लोग सोचते हैं brow pencil मतलब black. So black avoid करिए because black is very harsh. It's very aging. Yes. और ब्लैक लगाने से आप ज़्यादा एजिंग दिखोगे आप. इसीलिए टेक द डार्केस्ट ऑफ ब्राउन. तो हम जो शेड लेके आ रहे हैं आपके लिए वो डार्केस्ट ऑफ ब्राउन है जो कि हर स्किन टोन किसी का डार्क है या किसी का लाइट आईब्राउ है दोनों में ही ये जाएगा. So yeah. As you can see, I'm applying the pencil and I'm blending it in the same direction as the hair growth. So apply, blend. Don't just apply the pencil, you've got to apply it and use an eyebrow wand, or we call it a spoolie, this bit. The blender. And we just keep brushing it through. Yes, aapka liner, eyebrow pencil, it will come with a spoolie, it will come with a blender and aise hi pura dikhega and aap usko us spoolie ya blender se aap usko merge kar sakte hain, acche se usko eyebrow mein aap set kar sakte ho. I can see her eyebrow and her eyes have really popped out. So
So now, I know a lot of Indian ladies out there love to use kajal. So kajal is something which I also like to use. So you can definitely use a kajal in this look if you feel that the eyes are big enough. Otherwise, you don't have to. So but what I'm going to use is a little bit of black pencil. Just a little around her lash line area, just to open up the eyes. It was here. This one? Yeah. So, again, this is called the intense stay for 10 hours a kajal. So, how I'm using it is I'm lifting up her lids and I'm just scribbling it right inside the lash line. आप काजल चाहो तो यूज कर सकते हो डे मेकअप के लिए, अगर नहीं चाहो तो भी आप छोड़ सकते हो. बट जनरली लोगों का ये रहता है बिना काजल के बहुत सारी इंडियन लेडीज बाहर जाती ही नहीं है, तो काजल बहुत प्यारा होता है. सो दैट्स व्हाई शी इज जस्ट ब्लेंडिंग आपके काजल के साथ आपके ब्राउन पेंसिल को, धीरे से आप उसको ब्लेंड कर सकते हो. एंड देन दिस इज ये आपके आईज को डिफाइन और भी कर देता है. So for those of you who are not very comfortable or confident using a liquid liner, because when you use a liquid liner, it has to be absolutely point on. If you're not comfortable doing that, this is a great alternative to make the eyes look a little bit more defined. And yet it looks soft and natural. I like to do this for young girls. I also like to do this for my older clients who have a lot of wrinkling and lines on the lid. So it doesn't amplify those lines. It just blends it in very beautifully. So what do you suggest for young girls not to go for a kajal and for a little bit older women to go for kajal? Or is it... It basically depends on the eyes and depends on the expression of the personality. Okay. So kajal is beautiful on Indian eyes, of course. But if you have a smaller eye, like my client does right now, I would like to just use it as a definition and blend it, make it a little soft and smoky rather than a harsh line. Right. Yeah. So that's what I'm doing right now. Because not every Indian woman is blessed with big, beautiful eyes. Like neither am I. So I don't normally use a kajal. I just blend my pencils through. You can use them, but you just have to be clever in the way you use it. That's all. So we're just scribbling in the intense black right on the top of the lash line. And the best thing about this is it's not going to move. It's smudge proof. How many people, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग काजल यूज करते हैं on the top eyes, eyelid? वेरी गुड. सो ये सबसे अच्छा तरीका है आपके काजल को यूज़ करने का. आप सॉफ्टली उसको यूज़ करिए और उसको धीरे से ब्लेंड भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी लुक सॉफ्टर हो जाए. या फिर अगर आप चाहते हो कि वो थोड़ी सी डार्क रहे, देन यू कैन गो फॉर अ लिक्विड लाइनर. लिक्विड लाइनर से क्या होती है, वो पूरी लाइन आपकी अच्छे से होनी चाहिए, पूरा स्ट्रेट. एंड दिस इज समथिंग फॉर स्टार्टर्स, यू कैन यूज दिस. एंड ये स्मज होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा सा और उसको हल्के से स्मज भी कर सकते हो. So it's really important for those people who say my kajal always runs, you've got to have a small brush. So after using the kajal, just blend the edges. That's all you need to do. Nothing more than that. It's just blending it and settling the line in its place. Once you feel it's a little dry and comfortable in the place, let it be. It will not move. But if you just apply it and let it be, it will smudge, because that's the nature of any kind of pencil. Right. So let it dry. Settle it in. कोई भी काजल या कोई भी अच्छा पेंसिल अगर आप आंखों पे यूज़ करते हो तो जनरली क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, और जितना सॉफ्ट होता है तो उसके स्मज करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. सो सबसे अच्छा तरीका है, लेट इट ड्राई अ बिट, थोड़ा सा हल्के से उसको स्मज कर दीजिए और ड्राई करने के लिए वेट करिए. इट्स नॉट दैट आपने काजल लगाया एंड यू गेट इन टू अ हॉट क्लाइमेट जहाँ पर आपको लगे कि वो स्मज कर रहा है. कहीं पर कई बार a lot of times we sweat and jab hum sweat karte hain to quite natural aapka wo smudge hoga. So you just have to use a trick, use little bit aap brush leke thoda sa usko blending kar dijiye. And don't worry about the brushes are also on its way, so aa raha hai aapke paas.
So I'm just going back over with my base brush color and just blending it all through so it looks soft and blended in. Exactly. Remember, this is your natural kind of a soft day look. And it's something which you can wear at night as well. If you're one of those people who doesn't like too much makeup, this is also beautiful for the night. It just gives a perfect soft definition, especially for women above 45. I think this kind of a look is so pretty. Now I'm going to go straight on to my mascara. Just cleaning off the under eye bit. So, one of my favorite mascaras we've got here. The Urban Color. So you can have a look at this beautiful wand. It's nice and thick and fat. This just means that the eyelashes will get volumized and lengthened out a lot. So keeping it hygienic, because I use it on many of my clients, I like to use a disposable wand. Abhi humne disposable wand use kiya hai, but personally, jab aap use kar rahe ho, you can use it directly on your eyes. बट ये ध्यान रखना है अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो और अगर आप किसी को दिखा रहे हो ये डिस्पोजेबल वॉन्ड आपको मार्केट में भी मिल जाता है सो यू कैन यूज़ दैट एंड स्पेशली अभी यहाँ पे वी आर यूज दिस डिस्पोज बट देन अगेन मस्कारा इज द लास्ट स्टेप फॉर योर आई डिफाइन योर आई सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इसको मिस नहीं करना चाहिए. Also, another alternative is if you have two mascaras, use one as a disposable wand. You can just dip it in and not double dip, of course. Yeah. So that's important. Look down. Either that or if you're using the same mascara wand, you can sanitize it. Clean it off and then put it back into the mascara. But the only thing is, if you sanitize this with an alcohol and put it back in, it can slightly dry it. That's the only thing. And it might change the formulation also. Yeah. So sanitize aap kar sakte ho mascara wand ko. Lekin problem ye hai jab hum sanitize karte hain aur wapas usko container mein daal. तो हो सकता है वो थोड़ा सा ड्राई अप करे सो यू हैव टू बी केयरफुल अगर आप डिस्पोजेबल यूज कर रहे हो किसी को दिखाने के लिए यू कैन यूज इट एंड वॉश इट एंड अगेन री यूज इट बट देन अ पर्सनल यूज के लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप वन मस्कारा सेपरेटली फॉर यू सो बेसिकली व्हाट दे से इज मस्कारा डज 50% ऑफ द जॉब एंड द वॉन्ड डज द अदर 50% ऑफ द जॉब सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज एक्चुअली द वॉन्ड व्हिच इज made for the mascara. That's very important. Yes. Actually, mascara different types ke aate hain. So, yahan pe hamara mascara kya karta hai? It just adds volume. At the same time, wo thick karta hai. So, wand mein bhi aapka bahut sara quality hai, jo aap agar enhance karna chahte ho aapke eyelashes ko, wo enhance karta hai. So, it's very, very important aap जिसका मस्कारा जैसे अर्बन कलर का मस्कारा यूज कर रहे हैं तो उसी के वॉन्ड से अगर आप एप्लीकेशन करो तो इट्स ऑलवेज बेटर सो आई एम जस्ट गोना स्लाइटली गिव हर अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉन्टूर यूजिंग अ डार्कर कलर दिस इज द शेड नंबर 3 इट्स शेयर ग्लो ये शेड नंबर 3 है चीक ब्रश का तो हम इसको कॉन्टूर की तरह यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ब्राउन शेड में है सो व्हाट आई एम यूजिंग इज आई एम यूजिंग अ रियली थिन लॉन्ग राउंड ब्रश आई एम नॉट यूजिंग अ फैट ब्रश द मिनट यू यूज अ फैट ब्रश द होल चीक्स बिकम कलर्ड एंड देन द क्लाइंट और यू एंड अप लुकिंग अ लॉट डार्कर सो कीप द डार्कर कलर्स अंडरनीथ द चीक बोन्स एंड यूज स्मॉल ब्रशेस So now that I've finished using it underneath the cheekbones, I'm going to use it a little underneath the jawline.
middle of the nose. And now I'm just going to top up the cheeks with a little bit of a brighter color right in the center or the apples of the cheeks. Before I do that, let me just blend this through. Smile. Give me a pretty color. ये बहुत ही अच्छा contouring tip दिया है विद्या जी ने. पहले हमने use किया है thin brush से, हमने dark shade लेके उसको एक cut दिया है face को. उसके बाद हम उसको blend करेंगे. कशकरो. So what I'm using now is a nice round fat brush, and I'm just gonna dip it in a couple of times. Take off the extra smile, and I'm just gonna tap it in right on the apple. Now, you can do this when you want a little bit of freshness to come through, but make sure that the client does not have a very big round face. You will not do this for a round face. You will only do this if you want to enhance the apples. So just a little right there on the apple, and I'm just tapping it. Get along the tip of the nose, chin, forehead. Just basically gives it a nice overall balance of color on the face and a little on the neck as well. Now we're going to go straight onto the lips. I picked out a really pretty color, which is, I think, like a coffee color for the lip lining. The brown coffee color, which I picked out. Yeah. This is the 005. Yeah. So I'm going to go straight on from the Cupid's bow. First of all, do this little V right on the top of the lip. Keep it centered. Once you've got that happening, you go right down to the bottom and do a U. So we have a V and a U happening. इससे आपका क्या होगा? First हम lips के लिए lip liner use कर रहे हैं और पहले हमने V किया है and then U किया है. The reason is again lip liner से आपके lipstick भी बहुत अच्छे time तक last करेंगे. So कैसे वो last करेगा? अभी हमको देखना है इसमें. So then, from the edges of the lips, I am meeting it right into the center. Always work from the outside to the middle. After giving it the shape in the Cupid's bow, so we've given it the shape, and now we're kind of connecting the whole lip. Smile. Beautiful. Now I'm just going to color it slightly with the same pencil because I want this long lasting. It's a day makeup. She may be going out for a date, a lunch, a meeting. So what I want to do is just kind of cover half of the lip with the same lip pencil. Basically, it's more of a layering of the lip base. तो एक बार आप lip lining करने के बाद आप हल्के से उसको आधा lips you can just cover it up. So उससे क्या होता है कि वो color पूरे lips पे आ जाता है. लेकिन you cover half of your lips, not completely. And जिस हिसाब से आप layer करोगे lipstick के साथ, वो उस हिसाब से आपका lipstick उसी मतलब long lasting हो जाता है. Okay, now I'm using latte. This okay. is one of my favorite colors ever. Latte number 10. Yeah. So ये हमारा जो नया lipstick launch हुआ है, matte lipstick, उसका shade है, and this is latte. I think this is the best brown shade जो हमारे पास है. Latte, terracotta, tangerine, ये सारे हमारे brown और coral families में आ रहे हैं. So again, this is a very nice nude latte. Is a nice nude okay. shade जो आपके पास है, तो आप उसको day wear के लिए use कर सकते हो. I think these are one of the most handy. I mean, I'm using the bombshell pink, by the way, of the same thing. It's beautiful, and it's really handy to use it on yourself. Because you don't really need a lip pencil and all of that. Exactly. You just need the one product and it does the job. Huh?
आप अगर लिप पेंसिल या लिप लाइनर भी कुछ यूज़ ना करो फिर भी आप ये खाली शेप लेके यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट डज द जॉब ऑफ योर लिप लाइनर प्लस अ लिपस्टिक, क्योंकि इसका टिप जो है काफ़ी अच्छा है फॉर लाइनिंग योर लिप्स एंड एट द सेम टाइम आप उसको लिप में फिल भी कर सकते हो एंड वो उतना सॉफ्ट भी है जो कि ईजिली आपके लिप्स पे आ जाता है, ब्लेंड हो जाता है. नाउ दिस इज माई फाइनल टच, this gloss, this color gloss lip gloss, yes, and this just gives it a beautiful, voluminous, voluptuous kind of a look. Okay, fawn. Okay, so we are using fawn color gloss lip gloss ka fawn shade, which is again something jo aap use kar sakte ho on the lip, on the matte. If you want, agar aap chahte ho, to वैसे ही छोड़ सकते हो, नहीं तो आप उसके ऊपर भी ग्लॉस यूज कर सकते हो. सो उससे क्या होगा, आपके लिप्स मॉइस्चराइज तो रहेंगे ही एंड एट द सेम टाइम आपके लिप्स पे लिपस्टिक काफी देर तक लास्ट करेगी. आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट थ्रू, बट व्हाट आई एम गोना डू नाउ, व्हाट आई नॉर्मली डू इज आई लाइक टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ मस्कारा राइट एट द एंड जस्ट to give it an extra volume and extra lift, because I'm not using any liquid eyeliner on this look. She's got a very nice nude look on. Yes. Yeah. Look down. She's looking all coral. I think she's ready to face summer and the monsoon months. It's just looking fresh. I've avoided using any other color, but it's just your peachy natural tones with a little bit of definition of the brown and the black cool pencils. Look straight, look down, look up. And mascara really is the only product I find in my makeup box which literally or physically pulls out the eyes. And you've got to apply it at least 2 times if you want this opening effect. अगर आप चाहते हो आपके आईज और भी एनहांस लगे तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप मस्कारा एक कोट के बाद, वो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, यू कैन अप्लाई अ सेकेंड कोट. सो ये लास्ट में हम एक सेकेंड कोट दे रहे हैं सो दैट योर आईज आर लिफ्टेड अप एंड देन योर फेस, आपका फेस उतना ब्राइट लगता है विथ जस्ट लिटिल बिट ऑफ मस्कारा. आपका स्किन और फेस बहुत अच्छे से रेडियंट लुक आ जाता है स्किन पे, फेस पे. Always keep your Q-tips handy because you always need it. Yes. To touch. अगर आपका एक्स्ट्रा कहीं पे आ गया है कलर या फिर स्मज हो गया है, उसको क्लीन करने के लिए द बेस्ट इज यूजिंग द Q-tip. जो आपके पास ऐसे वाले Q-tips होते हैं, यू कैन आप उसको लेके आप क्लीन कर सकते हो. तो जहाँ जहाँ इस पे कॉर्नर पे कहीं पे लाइन गड़बड़ हो गई है तो Q-tip इज अगेन द बेस्ट टिप टू यूज. ब्लैक. Just touching up where I smudged the Q-tip a little bit. Close your eyes. Close, close, close. So she eyes is the most important. Yes. I think every woman wants to enhance her eyes. But the eyes can only be enhanced, I really feel, once the skin is looking clean. Everything has to look clean and fresh and bright, and then you can go ahead and enhance the eyes or the lips. So, आपका skin care बहुत important होता है. Eyes, lips, everything will come into place, but you need to really take care of your skin. Makeup आपका automatically अच्छा लगेगा the moment you have a good skin. Again, correct color select करने में भी वो बहुत important होता है. So यहाँ पे जैसे मैं पास से देख रही हूँ, so I get a brown kind of a effect in the sense she's got a nice nude shade on her face. And मैं आशका को बोलूँगी एक बार जाके she'll just have a round around. You can go and you can have a look closely after she finishes, because camera पे what I can see it looks little bit pinkish. Can we but ये भी color correct, yeah, color correct, we have it? To kind of color correct it. We're trying to do it, yeah, because actually those are not the colors. This is absolutely this is brown. Absolutely brown. Yeah, पास से हम देख रहे हैं it's brown, but I can see the overall pink effect and the change. But वो वहाँ पे pink लग रहा है, so I'll ask Ashka to really okay, are we done? Okay, done. We're done. How's it looking, guys? So the first look is done. ये हमारा first look था जो कि day look था. And
And Ashka, if you could just stand and just see her hair. I think her hair is also looking nice. It's very secret. So we can take some pictures. I think here the color is fine.